रात्रि गश्ती के दौरान वन कर्मियों ने 10 बोटा सिमल अवैध लकड़ी को किया जब्त। जी हां, पटना प्रखंड क्षेत्र में लंबे समय से पहाड़ों के पेड़ों की कटाई कर अवैध लकड़ी तस्करी का कार्य बदस्तूर जारी है। गौरतलब बात यह है कि एक ओर सरकार जहां पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम चला रही है, वहीं दूसरी ओर पटना क्षेत्र में हरे भरे पेड़ों की कटाई बदस्तूर जारी है। हालांकि पुलिस प्रशासन हो या वनकर्मी, इनके द्वारा लगातार मुहिम चलाकर लकड़ियां जब्त की जा रही हैं, लेकिन अवैध लकड़ी तस्करी में संलिप्त व्यक्ति पुलिस को चकमा देकर 9-2-11 हो जाते हैं। बीती रात्रि पटना के आमगाछी के समीप गुमानी नदी से शनिवार की देर रात्रि गश्ती के दौरान वनपाल की अगुवाई में वनकर्मी राजीव कुमार, अमित, अभिषेक एवं मदन मोहन मिश्रा के द्वारा 10 बोटा सिमल की अवैध लकड़ी जब्त की गई। वहीं वनपाल बिहारी मंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि साहिबगंज DFO मनीष तिवारी के निर्देशानुसार लगातार इन क्षेत्रों में गहन रात्रि गश्ती अभियान चलाया जा रहा है। साहिबगंज से ब्यूरो चीफ आनंद कुमार भगत की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।